जिन्होंने मुसीबतों से लड़कर आगे बढ़ना सीखा हो, उनके कदम कैसे रुक सकते हैं? आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में पूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। जिन्होंने गिरकर उठना सीखा हो, वो कैसे झुक सकते हैं? आपको अपने घरों से बाहर आने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण ने 1,00,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। महामारी के फिर से लौटने का खतरा मंडराने लगा है। हर मुश्किलात में खुद को खुद ही संभाला हो जिसने, कैसे उनके हौसले डगमगा सकते हैं? ये वो योद्धा हैं जो अपनी परवाह किए बिना औरों के लिए अपनी जान की बाजी लगा सकते हैं। आपके लिए ढाल बनके हम हैं कोरोना वॉरियर। 138 करोड़ की आबादी वाला देश एक छोटे मगर खतरनाक वायरस की वजह से अचानक ठहर गया। तेजी से दौड़ती भागती जिंदगियां रुक गईं, कारोबार ठप हो गए। देखते देखते कोरोना मरीजों की संख्या लाखों में पहुंच गई थी। सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए कई बड़े कदम उठाए थे, लेकिन जरूरत थी कुछ ऐसा करने की जिससे इस बीमारी से लड़ा जा सके। तब कुछ लोग फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स बनकर इस वायरस से लड़ने के लिए सामने आए। इन लोगों ने बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी स्वार्थ के अपनी जान को जोखिम में डालकर दूसरों की सेवा की। पीपी किट में लिपटे इन डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ ने जहां एक तरफ हॉस्पिटल के अंदर और बाहर दोनों तरफ इस कोरोना वायरस का डटकर सामना किया, वहीं ये खाकी वर्दी वाले सड़कों पर उतरकर दिन रात लोगों को इस जानलेवा बीमारी से बचाते रहे। किसी को खाना, किसी को पानी, तो किसी को छत का सहारा देते रहे। खुद भले ही धूप में प्यासे खड़े रहे, लेकिन दूसरों को आसरा देते रहे। सैनिटेशन वर्कर्स और आशा वर्कर्स ने भी 24 घंटे इस लड़ाई को और भी मजबूती से लड़ा। कोरोना की इस जंग में कई फ्रंटलाइन वॉरियर्स को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। कई कई दिनों तक अपने परिवारों से दूर रहना पड़ा, लेकिन फिर भी ये अपने फर्ज से पीछे नहीं हटे और डटे रहे लोगों की सेवा में। सर, जब ये सब खत्म होगा तो वो सबसे पहला काम हो, आप क्या करेंगे? सबसे पहला मैं सुबह 10 बजे तक आराम से सो जाऊंगा 2 दिन, फिर उसके बाद में जो है डिसाइड करूंगा। सोने को ही नहीं मिल रहे ना यार। इंडिया सलाम करता है ऐसे फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स को, उनके जज्बे को जो इस मुश्किल घड़ी में एक ढाल बनकर हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा आगे खड़े रहे। घर में रहे, सुरक्षित रहे। थैंक यू कोरोना वॉरियर्स। आप लोग जल्दी से घर जाओ। थैंक यू सर। हां बेटा जाओ, घर जाओ। साथ ही ये अपील भी करता है कि कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, बल्कि बड़े ही खतरनाक तरीके से उसने एक बार फिर से दस्तक दी है। इसलिए किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें। हम सब अपने घरों में सुरक्षित हैं, क्योंकि ये लोग हमारी सुरक्षा के लिए बाहर हैं।